आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर लेके उपलब्ध हुआ हूँ। हम सभी भारतीय के लिए, इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ये यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो खबर ये है कि इसरो ने एक साथ अंतरिक्ष में भेजे हैं 104 सैटेलाइट। जानते हैं इसके बारे में 10 बड़ी बातें। आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। इसरो ने PSLV C-37 से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसरो का यह मिशन भारत की अंतरिक्ष में एक मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाएगा। इसरो ने PSLV C-37 के जरिए 15 फरवरी 2017 सुबह 9:28 पर 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। अब तक रूस के पास एक साथ सबसे अधिक उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड था। उसने 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर यह मुकाम हासिल किया था। इसरो भी जून 2015 में एक साथ 23 उपग्रह प्रक्षेपित कर अपनी काबिलियत स्थापित कर चुका है। यानी इसरो ने इससे पहले सबसे ज़्यादा 23 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे और अब उन्होंने वो नंबर बढ़ाकर 104 उपग्रह का बना लिया है रिकॉर्ड। तो इसका सबसे पहला जो खास बात है वो यह है, इसरो के 2 तथा 101 विदेशी अति सूक्ष्म नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया जाना है, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। मिशन में मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित अन्य उपग्रहों के समान है। इसके बाद भारत द्वारा ही विकसित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इसरो का सबसे विश्वस्त रॉकेट है। PSLV C-37 इस श्रेणी के रॉकेट का 39वां मिशन होगा। इसरो के इस मिशन में सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी के 88 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। 88 छोटे सैटेलाइटों का इस्तेमाल धरती की तस्वीरों के लिए किया जाएगा। इसरो ने इस मिशन में सबसे भारी PSLV का इस्तेमाल किया है। PSLV 37 का वजन 320 टन, ऊंचाई 44.4 मीटर है। इसरो का यह रॉकेट 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अब तक PSLV की मदद से 38 मिशन को अंजाम दिया जा चुका है। कार्टोसैट 2 सीरीज का उपग्रह धरती की निगरानी के इस्तेमाल में आएगा। इसके अलावा 2 नैनो उपग्रह INS-1A और INS-1B को भी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यदि यह खबर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये बहुत ही गर्व का विषय है और मैं आगे भी आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं समय समय पर देता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।